आप सभी को वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। हर साल जेठ महीने की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन वट सावित्री का व्रत रखा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वट सावित्री व्रत के दिन सुहागिन महिलाएं वट यानी वरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस वृक्ष में भगवान श्री विष्णु, ब्रह्मा जी और शिव जी का वास होता है। इस दिन बरगद के पेड़ की पूजा करने से पति और परिवार को सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है और पति की अकाल मृत्यु का खतरा भी टल जाता है। वट सावित्री व्रत के दिन पतिव्रता स्त्री वट वृक्ष की पूजा कर परिक्रमा करती हैं और चारों ओर कलावा यानी कच्चा सूत बांधती हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से पति की लंबी उम्र होती है और निसंतान दंपतियों को संतान सुख की भी प्राप्ति होती है और मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। वट सावित्री व्रत के दौरान दान करना अति लाभकारी माना जाता है। इस दिन सुहागन की सामग्री दान करना विशेष शुभ फलदायी होता है। ये वट सावित्री व्रत के दिन सुहागिन महिलाएं काले वस्त्र पहनने से बचना चाहिए, सफ़ेद वस्त्र भी नहीं पहनना चाहिए और ना ही सफ़ेद काले रंग की चूड़ियाँ पहननी चाहिए। अपने पति के लिए देवी सती की भक्ति और स्नेह से प्रभावित होकर यमराज ने उसके पति की प्राण लौटा दिए थे, जैसा कि सावित्री ने यमराज से 100 पुत्रों की प्राप्ति के लिए कहा और उन्होंने 100 पुत्रों का आशीर्वाद दे दिया। इसके लिए सत्यवान को लंबा जीवन जीना पड़ा। पौराणिक घटना के बाद ही विवाहित महिलाएं हर साल जेठ मास के दिन वट सावित्री का व्रत रखने लगी। जो लोग पहली बार वट सावित्री का व्रत कर रही हैं, उन्हें जानना जरूरी है कि इस व्रत में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और साल 2024 में वट सावित्री व्रत किस दिन रखा जाएगा और व्रत का पारण किस दिन किया जाएगा। वैसे तो साल में 2 बार वट सावित्री का पूजा किया जाता है, एक जेठ मास की अमावस्या और दूसरा ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन। ये 2 हमारे देश में यूपी और बिहार में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। वट सावित्री की व्रत के दिन सुहागिन महिलाएं अपने सुहाग की लंबी उम्र की वरगद के और यमदेव की पूजा करती है। मिट्टी के सत्यवान सावित्री मूर्ति बनाकर उनकी पूजा की जाती है। इस दिन सुबह स्नान करके अगले दिन सूर्योदय तक व्रत रखने का भी संकल्प लिया जाता है। इस व्रत को निराहार निर्जल रहकर किया जाता है। सावित्री व्रत के एक दिन पहले काले चने पानी में भिगो दिए जाते हैं। इस पूजा में गीला अनाज भगवान को अवश्य अर्पण करना चाहिए, क्योंकि यमराज जी ने भी चने के रूप में सत्यवान के प्राण सावित्री को वापस किए थे। 16 श्रृंगार कर सप्त धान को एक बांस की टोकरी में बरगद के पेड़ के नीचे रखा जाता है और दूसरी टोकरी में सत्यवान यानी सावित्री की मूर्ति या तस्वीर रखी जाती है। फिर बरगद के पेड़ पर जल और कच्चा दूध अर्पण किया जाता है और वो व्रत की कथा भी पढ़ी सुनी जाती है। कुमकुम, हल्दी, अक्षत, सिंदूर, भीगे हुए चने, फल, मिठाई और लाल वस्त्र बरगद के पेड़ पर अर्पित किया जाता है। धूप दीप जलाकर बरगद की वृक्ष की पूजा की जाती है। फिर कच्चे सूत या कलावे से वृक्ष के तने को चारों ओर से लपेटकर 108 बार परिक्रमाएँ की जाती हैं या आप 7 बार भी परिक्रमा कर सकते हैं। व्रत की कथा पढ़ते हैं और सुनते हैं, साथ में अपने हाथ में 7 या 11 चने रखने चाहिए। फिर कथा समाप्ति के बाद पीपल पेड़ की जड़ में उसे अर्पण कर देना चाहिए। इस व्रत के आशीर्वाद के स्वरूप वरगद की कोपलों में सुहागिन महिलाओं को अपना श्रृंगार करना चाहिए या अपने सर में अपने बालों में बरगद की कोपल धारण करना चाहिए, यानी कि उसके एक पत्ते को जब हम बरगद के पेड़ के पास से हम उठाएंगे उसे अपने बालों में लगा लेते हैं। व्रत बहुत कठिन होता है और अगले दिन सुबह सूर्योदय के बाद ही यह व्रत खोला जाता है, तभी जल पिया जाता है और व्रत खोलते समय बरगद के वृक्ष की कोपल खाकर जल पीकर इस व्रत को खोला जाता है। उसके बाद फलों का जूस और
फिर शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण किया जाता है। इस व्रत में अपनी सासू माँ को या अपनी ससुराल पक्ष के किसी भी सुहागिन महिला को श्रृंगार सामग्री साथ में दान दक्षिणा या उपहार की सामग्री देना चाहिए। अधिकतर जगह पर व्रत का पारण एक दिन पहले भिगोए हुए चने खाकर ही किए जाते हैं और इस व्रत की पूर्णावती महिलाओं को दिन में सोने से बचना चाहिए। अब जानते हैं इसका मुहूर्त। साल 2024 में इस बार 6 जून गुरुवार को वट सावित्री का व्रत रखा जाएगा और इसी दिन जेठ अमावस्या का स्नान दान व्रत भी किया जाएगा। गुरुवार का दिन होने के कारण सुहागिन महिलाओं को एक दिन पहले शाम के समय ही सिर से स्नान करना चाहिए क्योंकि गुरुवार के दिन साबुन तेल आदि लगाना मनाही हो है और उसी दिन बाल धोकर फिर लहसुन प्याज इत्यादि का भोजन नहीं करना है। तिथि की आरंभ होगी 5 जून बुधवार की शाम 7:05 से और समाप्ति होगी 6 जून गुरुवार शाम 6:07 पर। इस तरीके से वट सावित्री का व्रत बहुत ही शुभ संयोग में रखा जाएगा। इस दिन कृतिका और रोहिणी नक्षत्र का शुभ संयोग बन रहा है। शुभ संयोग राहु काल आज का जानते हैं तो राहु काल गुरुवार के दिन 1:30 से 3 तक रहता है और शाम को पूजा करने के लिए शाम 5:01 से शाम 6:04 तक पूजा का शुभ समय रहेगा। बरगद की पीपल की पेड़ की पूजा हमेशा सुबह सूर्योदय के बाद ही की जाती है, उसके बाद ही जल अर्पित किया जाता है। सूर्योदय से पहले बरगद या पीपल की पेड़ में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। व्रत का पारण किया जाएगा 7 जून शुक्रवार सुबह 5:04 से 8:01 के बीच में। तो ये थी वट सावित्री व्रत की पूजा विधि। और अब जानते हैं भूल कर भी न करें ये कार्य। तो भूल कर हमें वट सावित्री के दिन नाखून न काटना है, बाल नहीं धोना है, किसी को गलत नहीं बोलना है और किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, सभी से आशीर्वाद लेना है और कोशिश करें कि ऐसे कुछ बुजुर्ग आप अपने नज़र में रखें जिससे आप उनसे आशीर्वाद सौभाग्य की प्राप्ति के लिए आशीर्वाद लें। निश्चित ही रूप से उनका आशीर्वाद आपको लगेगा क्योंकि हम रिलेटिव में जिसको भी हम प्रणाम करते हैं अगर उनसे हमारी कहा सुनी हुई है तो वो केवल रहे कहेंगे खुश रहो, लेकिन आप अदर पर्सन से आपका कोई लेना देना नहीं है तो वो जो भी आशीर्वाद देती है वो उनके दिल से निकलता है क्योंकि उनके फैमिली मेम्बर में उनको इतना लोग सम्मान नहीं देता है जिसकी वजह से वह सम्मान वो प्यार दुलार आशीर्वाद हम जैसे गैरों को मिल जाता है। और ये आप एक बार ट्राई कर देखिएगा और अगली जब त्यौहार ये आएंगे वट सावित्री तो आप अनुभव कीजिएगा कि कभी गैरों के पैर छू कर देखने से आपको क्या फल प्राप्त हुआ है। तो आप अपने माता पिता के अवश्य पैर छूए मनाही नहीं है, लेकिन आप ऐसे बुजुर्गों को भी छूए जो आप नहीं जानते हो उनको। और अगर आप अपने मन में जो भी इच्छाएं रखकर आप उनसे आशीर्वाद लेती हैं तो बहुत जल्द वो आपकी आशाएं आपकी मनसा आपकी मनोकामना भी पूर्ण होते हैं। वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, औरों तक शेयर कीजिएगा, अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कीजिएगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। वट सावित्री की तरह ही हम सभी की पतियों की रक्षा हो, हम सभी अखंड सौभाग्यवती प्राप्त करें, अखंड सौभाग्यवती रहे, हम सभी का सौभाग्य बना रहे। बोलो लक्ष्मी माता की जय, वट सावित्री माता की जय।